हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है और आप सभी का फिर से स्वागत है कि नए वीडियो में। दोस्तों मैं आपको एक ऐसे फोटो एडिट के बारे में बताने वाला हूँ, एडिटर के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसकी मदद से आप इतने अच्छे खासे फोटो एडिट कर सकते हैं अपने जियो फोन में कि आप सोच नहीं सकते। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली दोस्तों आपको मेन्यू में जाना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको, जैसा कि आपको पहले से पता है कि आपको ब्राउजर का ऑप्शन मिलता है, इस ब्राउजर में चले जाना है। ठीक है, तो चलिए मैं ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप बार बार खुल जा रहा है, तो चलिए हम इसे नीचे में आए करते हैं। और देखिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको ब्राउजर का ऑप्शन मिलता है, हम सिंपली इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट में लिखेंगे फोटोपी। जी दोस्तों, फोटोपी एक ऐसा एडिटर है जिसके वजह से आपको फुल दम जो क्या है टूल्स मिलता है। यहाँ पर जैसा कि आपको फोटोशॉप एंड्रॉयड फ़ोन में मिलता है, उसी तरह से फुल मिलता है। आप जितना इसमें मेहनत करेंगे आप अपने हिसाब से उतना ही आपको अच्छा लगेगा। क्यों दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का जिस पे इस मोबाइल पर बटन पे उसका हाथ बैठा हुआ है, मतलब जिससे वो बटन को इधर से राइट और लेफ्ट कर सकते हैं इजली, वो इसमें फोटो एडिट आसानी से कर सकते हैं। और जिनका हाथ इस पे नहीं बैठा है दोस्तों, वो इजली नहीं कर सकते क्योंकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इस बटन को यूज़ करने में, जो एंड्रॉयड पहले से यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अपना फोटो पी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे फोटो पी, देखिए आपके सामने फर्स्ट में वेबसाइट चलाएगा। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना गजब का ये ऐप है या बोले या वेबसाइट है कि आप सोच नहीं सकते। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई जियो फ़ोन का यूज कर रहे हैं, आपको लगेगा कि कंप्यूटर या जियो फ़ोन का जो कथे बाप यूज कर रहे हैं, इस तरह से आपको फील होगा। यह बहुत ही कमाल का है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम फोटो पी पर आएंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। और यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से कोई भी फाइल को आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसा कि आपको फोटोशॉप में मिलता है या पिक्सार्ट मिलता है, सेम ऐसा ही मिलता है आपको। और बहुत ही अच्छा खासा एडिट कर सकते हैं। देखिए नेवर का जो ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट करने के लिए, कलर मिलता है, बहुत सारे यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो फिल्टर मिल जाते हैं, जो भी इसमें ऑप्शन होंगे आपको सारे मिलेंगे। यहाँ देखिए व्यू में जाएंगे आप यहाँ पर, तो जूम इन का, जूम इन आउट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इस तरह से बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई भी आप फोटो को ईजिली बहुत ही अच्छे से एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे टूल हैं, जैसे फोटोशॉप में आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। देखिए आप सिलेक्ट करके फोटो के साइड से इधर साइड से उधर साइड करना होता है, लेफ्ट राइट करना होता है या अप डाउन करना होता है, इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको रेक्टेंगल जो सर्किल होता है उसे चूज करने के लिए ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर जो स्केल होते हैं, ब्रश होते हैं, क्रॉप कर सकते हैं किसी फोटो को। और यहाँ देख सकते हैं जो आई ड्रॉप है उसको भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर इस तरह से स्पॉट हेलिंग ब्रश ऑप्शन मिल जाता है। देखिए आपको ब्रश, इस तरह टूल्स, जो भी पेंसिल है, टेक्स्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेडियंट टूल्स है, कलर है। देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या, टेक्स्ट है, कुछ भी टाइप करें आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर डॉगडर मिल रहा है, बर्न टूल मिल रहा है आपको, ब्लर, जैसे आप कोई फोटो में ब्लर करना चाहते हैं किसी चीज़ को भी या इमेज को, यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। इस तरह से देखिए लिप्स लाइन बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपके फोटो एडिटर में। ऐसा फोटो एडिटर अभी तक आपने जियो फोन में कहीं नहीं देखा होगा। यदि देखा तो मुझे बताइए कमेंट करके, यदि आपको अच्छा लगता है तो आपको बताना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए ठीक है, और पहली बात कि आप यहाँ पर फोटो कैसे यहाँ पर लाएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर जूम करिएगा तो आपको यहाँ पर मिलता है ओपन योर कंप्यूटर इमेज। ठीक है, यहाँ पर सेकंड थर्ड में दिख रहा है बीच में, उसको ओपन करना है। चलिए मैं सेलेक्ट करके इसे ओपन कर लेते हैं। चलिए जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे परमिशन मांगेगा कि आप कहाँ से फोटो लेने जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर गैलरी से ले लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए गैलरी से फोटो एक ले लिया है, उसके बाद हम इसे डन कर देंगे। डन कर देखिए हमारे सामने फोटो चलाएगा। यहाँ पर आप जो भी कलर इन्हेंस करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं, टेक्स्ट डालना चाहते हैं, यहाँ देखिए बहुत सारे आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट कैसे डालते हैं। यहाँ देखिए चलिए मैं टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे टेक्स्ट क्लिक करेंगे ये आपको देखिए ऊपर में बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, एडिट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर फॉन्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो भी चाहते हैं फॉन्ट यहाँ पर ले सकते हैं इजीली। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो साइज है बहुत छोटा हो गया है और इसमें थोड़ा सा एडिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। क्योंकि दोस्तों जिसका इस पर जो बटन पर हाथ चलाने का प्रैक्टिस है पहले से हो है, उसे वही इसे चला सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आप इस पर अच्छे से काम करते हैं तो आप इजीली यहाँ पर अच्छे से फोटो को अच्छे से एडिट कर सकते हैं। जैसा फॉन्ट हो, ब्लर हो, इफेक्ट हो, कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। सिंपली जूम इन जूम आउट करना है और आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप कोई फोटो एडिट कर सकते हैं।
तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर दीजिए। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझसे कुछ भी इस वीडियो में गलती हुआ तो मुझे इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फीडबैक देख कर इसे इम्प्रूव करूँगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।